क्या आ गया आगे सुन, क्या आगे सुन है दुल चेंज हो गया तो बुध गुद ना चेंज हुए मेरी ना वन डी वन एफ का आइए आगे तो थैंक यू अरहान के लिए आ गए यहाँ पर ऑरेंज जूस पी लो अरहान जूस लेके आए हैं वो सबसे आगे वालों सब वाले खीरी वीडियो लिए चीजर खोजूंगा दोबारा और मेरी मम्मी की है मम्मी आप खुद को भी दिखाओ ना आप पी लो जूस मैं बाद में पीऊंगा ठीक है। हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जूले कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो जी आज मैं और अरहान जा रहे हैं वापस लद्दाख। तो हम दोनों इस टाइम बैठे हैं जी फ्लाइट में और बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे लेह। और जो है रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका है तो इंशाल्लाह फर्स्ट रोज़े पर मैं घर पर होंगी। तो वाओ क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस। हम लोग बस पहुँचने वाले हैं अभी हम लोग पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं इसके बाद कुछ देर में ले आए तो गाइस हम लोग ले लद्दाख में पहुंच चुके जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम दोनों पहुँच चुके थे और मेरे जेठ जी जो है हमें लेने आए हैं एयरपोर्ट पर। गाइस तो फिर काफी ज्यादा करनी पड़ी इधर आने की वैसे काफी ज्यादा थक गया हूँ मैं। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है तो हम लोग थोड़ा मार्केट वगैरह चले गए थे और ऑफिस में भी कुछ काम था तो हम गए थे बाज़ार। तो यहाँ पर देखा ना मार्केट में जो है बिल्कुल जो है आज वुमेंस डे का प्रोग्राम चल रहा था तो काफ़ी रौनकें शौनकें बनी हुई थी। लेकिन क्या करें दोस्तों हमारे यहाँ पर विंटर में जब रोड बंद हो जाता है ना उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है और फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है और जो भी मिलता है ना तो जो है बायर आता है तो इस वजह से बहुत कॉस्टली होता है। तो मैं थोड़ी बहुत सब्जियां और थोड़ी बहुत फ्रूट्स तो मैं लेकर के आई थी वहां से आते टाइम चंडीगढ़ से, ज़्यादा तो मैं भी नहीं ला पाई क्योंकि जो है वेट काफ़ी बढ़ जाता तो इसलिए फिर वही रेट पड़ता। तो यहाँ पर वुमेंस डे मनाया जा रहा है तो हम दोनों जो है थोड़ा मार्केट घूमने आ गए थे। तो मेरे साथ में मेरी जेठानी भी है और जो है एक दो लोग और हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पर जो है एग्जीबिशन लगे हुए थे और कहीं कहीं पर जो है फूड वगैरह भी दे रहे थे। कारगिल लद्दाख लो लेने आर्टिस्ट का माहौल ना। और अब माशाल्लाह से जो है रमज़ान मुबारक भी आ चुका है तो लेकिन विंटर में यहाँ पर जो है खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाती है क्योंकि जोजिला वगैरह बंद रहता है तो गाड़ियाँ तो आ नहीं पाती कश्मीर श्रीनगर से। तो जो है फ्रूट सब्जियाँ और इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और फिर जो घर पर हम लोग स्टोर करके रखते हैं वो सारा ड्राई होता है, फ्रेश चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और जो है नॉनवेज भी नहीं मिल पाता है और वही जो फ्रोज़न चिकन वगैरह होते हैं वो मिलता है तो फ्रोज़न कोई खाता है कोई नहीं खाता। और जो है आज तो मुझे मेरी किस्मत से मुझे 2-3 चिकन मिल चुका था फ्रेश तो यहाँ मार्केट में जो कश्मीरी दुकानें हैं ना तो वहाँ पर मिल गई थी मुझे फ्रेश चिकन तो मैंने वहाँ से ले लिया था। और अब इंशाल्लाह से जो है बस घर पहुँच जाएंगे हम लोग। तो रमज़ान देखिए दोस्तों मैं और अरहान पहुँच गए फाइनली लद्दाख। हम लोग ले पहुँचे थे परसों और अभी हम थोड़ा इधर मार्केट में घूमने आ गए थे, यहाँ मस्जिद के पास आए हैं हम लोग। और अरहान को भूख लग रही है तो मैं अरहान को कुछ खिलाने के लिए ले जा रही हूँ, ठीक है ना। चलो चलो कौन सा लेना है बताओ जल्दी ले लो ना, ये ले लो ये टेस्टी होता है ये ले लो फिर ठीक है ले लो फिर उठाओ यही उठाओ चलो। आपका चिप्स डाल दिया मैंने इसमें ये लिया है अरहान के लिए, अरहान को भूख लग रही थी। और देखो बर्फ है पूरा
और जो है हम यहाँ बैक साइड से जा रहे थे, तो अभी मार्केट में हमने जो है सीड्स की एक वो देखी थी ना, तो एक भैया सीड्स बेच रहे थे, तो वहाँ से भी मैंने कुछ सीड्स वगैरह भी ख़रीदा। और यहाँ अभी बैक साइड से हम जा रहे हैं पोलो ग्राउंड, वहाँ पर जो है हमारी गाड़ी है वहाँ पर पार्क किया हुआ है। और यहाँ से हम जा रहे थे ना, तो यहाँ गली गली में देखा हमने, अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी ना, तो पानी जहाँ जहाँ पर पानी रुका है वो सारा जमा हुआ था, और सारे के सारे रास्ते जो है बिल्कुल जो है बर्फ़ से ढकी हुई थी। और यहाँ पर देखा ना हमने, तो बर्फ़ को जो है इकट्ठा करके जमा किया हुआ था जगह जगह पर ना, हर रास्ते पर, तो पूरे रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है और जो है बर्फ़ से भरी हुई है गलियाँ। तो बस मैं तो आराम आराम से जा रही थी, और अरहान को भी मैं कह रही थी कि आराम से चलना, जो है ये जो बिल्कुल शीशे की तरह हो रखा है रास्ता ना, तो फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है इस टाइम। तो हम पोलो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, और फिर पोलो ग्राउंड से जो है हमारी गाड़ी वहीं पर है, तो हम वहीं से चले जाएंगे घर। अरहान आराम आराम से आ गए, और हम अभी जा रहे हैं पोलो ग्राउंड, वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ से हमें जाना है। चोकलमसर जा रही हूँ मैं आज, वहाँ पर देखो अभी चारों तरफ बर्फ है। ले पहले खरदुंगला पार करके तब जाना पड़ता है हमें नुब्रा। अच्छा खरदुंगला में तो फिर आप बताइए, वैसे ले पैलेस आप लोगों को दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा थोड़ा, और आप थोड़ा और दिख रहा होगा, मैंने जूम कर रखा है, और सामने आपको ले पैलेस काफी अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? यही तो खासियत है हमारी ले पैलेस। और अब यहाँ पर देखिए, ये घर पहुँचने के बाद का वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आज जो है पहला रमज़ान है, पहली रमज़ान के लिए मैं अचार बना रही हूँ। खाना वाना तो खैर जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बना दिया था मैंने, मैं पर वो भी आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई थी अपने साथ फ्रूट्स और कुछ सब्जियाँ, और ये कुछ नींबू और ये मिर्चें हैं, तो मैं इनमें से नींबूओं को पहले उबाल लूँगी, और फिर मुझे इनका बनाना है इंस्टेंट अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस अचार में जो है मैंने सारे साबुत मसाले जो होते हैं ना अचार के, तो उनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, और फिर उनको जो है मैंने पीस लिया था ठंडा करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने नींबूओं को डाल दिया है पानी में, और जब ये अच्छे से उबल जाएंगे ना, फिर मैं इनको निकाल दूंगी। उससे क्या होता है ना कि नींबू के जो छिलके होते हैं ना, वो कड़वा होता है, तो अचार कड़वा नहीं होता, अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से उबल करके जो है आधा पक चुका है, तो मैं इनको निकाल दूंगी। मैंने इनको 4 से 5 मिनट के लिए जो है बॉयल किया था। और मिर्चें हैं यहाँ पर, मिर्चों को जो है मैंने बीच में से काट दिया है सबको, और फिर नींबूओं को भी काटूंगी मैं अभी। और फिर जो मसाले हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं सारे दोस्तों, और आप वहाँ से देख करके उनको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी आपकी मिर्चें होंगी और नींबू होंगी। और ये वाली जो अचार की जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये मेरी मम्मी की है, तो ये है इंस्टेंट अचार, और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। तो इसको ना जो है परांठे के साथ खाया जाता है, तो बहुत ही मज़े का लगता है परांठे के साथ में। तो यहाँ पर मैंने नींबूओं को निकाल दिया है, और जो है नींबूओं को अभी ये ठंडे हो गए हैं, तो मैं इनको काट रही हूँ अपने हिसाब से, और इनमें से जो है इनके बीज को निकाल देना है, और बस फिर इनका हम अचार बनाएंगे। और ये झटपट बना रही हूँ मैं, क्योंकि रमज़ान में तो बिना अचार के जो है इफ्तारी में मज़ा ही नहीं आता, थोड़ा सा अचार तो चाहिए ही, और बाज़ार के अचार से तो घर का अचार अच्छा रहता है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैं अब यहाँ पर फटाफट इन नींबूओं को काट देती हूँ, और मिर्चों को तो मैंने जो है बीच में से काट ही दिया है। और हाँ दोस्तों, आप सबको जो है रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जो है आज यहाँ पर हमारे गांव में जो है, ये मैं पहले रोज़े के दिन का वीडियो शेयर कर रही हूँ,
और आज जब मैं ये एडिट कर रही हूँ ना, तो आज तो है तीसरा चौथा रोज़ा। तो यहाँ पर देखिए ये मसाला है और इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था और फिर मैंने इसको जो है मिक्सर जार में पीस लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, इन मसालों को ना इन नींबूओं और मिर्चों पर पूरे में लेप कर दूँगी, अच्छे से इनमें डाल करके ना हाथों से मलूँगी और इनमें अच्छे से जो है अंदर तक जो है अच्छे से मल देना है और पूरा मसाला इसे। इसको बहुत ही अच्छे से जो है तेज आंच पर हम लोग 5 से 6 मिनट खूब भून लेंगे, ठीक है ना। और फिर बस रख देंगे गैस का फ्लेम बंद करके। और ये अचार बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। और हाँ जी दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर ना अब मेरा जो है अचार रेडी हो चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हुआ है। और अब दूसरी तरफ जो है मैं फटाफट इफ्तारी भी बना रही थी, तो मैं इसको अब ढक करके रख देती हूँ और जो इफ्तारी मैंने बनाना शुरू किया हुआ है उसे तैयार कर लेती हूँ और फिर जो है इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। और यहाँ पर मेरा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर इसको ढक दिया है और बस इसको मुझे सुबह ही ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ लोकल चूल्हे पर जो है मैं चिकन फ्राई कर रही थी, तो मैं इस चिकन का बनाने वाली हूँ जी चिकन कढ़ाई, और उसके लिए मैंने इसको फ्राई किया है। और फिर जो है अभी मुझे बनाना है आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी भी। और जो गोभी और मटर है, फूल गोभी है ये, तो इनको मैं चंडीगढ़ से लेकर के आई थी दोस्तों, यहाँ पर तो मिलता ही नहीं है अभी फ्रेश। तो जब तक जोजिला नहीं खुलेगा तब तक सब्जियां और फ्रूट्स की जो है दिक्कत ही रहेगी यहाँ पर। तो बायर जो फ्रूट्स और सब्जी लाते हैं शॉप वाले ना, तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं इस सब्ज़ी को बना रही हूँ अभी इफ्तारी के लिए। और जो मेरा चिकन भी ड्राई रोस्ट हो चुका है, तो उसको मैंने फ्राई किया है सॉरी, तो उसका मैं बना रही हूँ जी जो है वो बनाऊँगी मैं चिकन कढ़ाई। और मैंने चिकन थोड़ा सा जो है मैंने जो चिकन के पीसीस थे ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने 2-3 ब्रेड डाल रखे हैं और इनको मुझे अच्छे से पीस लेना है। और इनका मैं बना रही हूँ चापली कबाब, और कबाब भी अब बस बना करके मैं फटाफट सेक दूँगी। और अब इफ्तारी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका था, तो यहाँ पर देखिए मेरे कबाब रेडी हो रहे हैं और कबाब बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी बना था। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अब इफ्तारी कर लेते हैं और जो है आप लोग भी अपना इफ्तार जो है एंजॉय कीजिएगा और सबके लिए दुआएं मांगिएगा और जो है सबके लिए अच्छा अच्छा सोचिएगा और सबके हक में अच्छी अच्छी दुआएं कीजिएगा, अपनों के लिए भी और परायों के लिए भी, ठीक है ना। तो मैं भी वही करूँगी इंशाल्लाह से, मैं सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह जो है सबकी दुआएँ कबूल करे और मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरी भी दुआ कबूल करे।
अंदर। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो अचार था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको मैं इस जार में जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इस जार में मुझे रखना है इसे। तो बस मैंने इसमें सारा अचार निकाल दिया है, थोड़ा सा बचा है उसको मैं अभी बाउल में डाल के रखूँगी खाने के लिए। और अभी ये सारा आएगा इसमें और जितना बचेगा वो रह जाएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, मैं अचार फिल कर लेती हूँ और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और पूरे रमज़ान इबादत में बिताइएगा और इबादत में मशगूल रहिएगा। इंशाल्लाह सबके परेशानियाँ अल्लाह मियाँ दूर करेंगे और सबको जो है हर बला से महफूज रखेंगे और अल्लाह सबकी हर तमन्ना और हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो फिर ठीक है जी, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।